गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम सबको। और आज की नई सुबह में फिर से आपका स्वागत है। बुढ़िया आगे आगे चली हुई है और मैं पीछे पीछे हूँ। एक बुढ़िया ना, अम्मा को नहीं बोलना बुढ़िया, अम्मा को नहीं बोलना बुढ़िया। तो जी, स्वागत है आपका मेरे गांव की सुबह में। आज हूँ मैं अपने गांव पहुँची, कुठार, डिस्ट्रिक्ट सोलन। तो स्वागत है आपका, आओ और मेरे गाँव के नज़ारे देखो। मैं दिखाती हूँ आपको, ये जी मेरा स्कूल, कुठार स्कूल। और इस स्कूल से मैंने एजुकेशन ली है और इसकी बैक साइड में यहाँ पे घर है। और ये देखो मेरे गांव का स्कूल और मेरे गांव का मॉर्निंग व्यू देखो। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरे गांव की गलियाँ, पगडंडियाँ, सर सरे छिड़िया चिड़िया कटिया करती हुई मेरी अम्मा। आगे आगे एक बुढ़िया जो जिससे चला नहीं जा रहा इसलिए डंडा लेके चल रही है। ये है 50 साल की बुढ़िया। हाँ तो अम्मा पढ़ने लगा था कोरा अब। और ये है मेरा गांव, ये देखो मेरे गांव का व्यू। कणक बीजती थी, ये देख पत्थर ही पत्थर ही थी, पत्थर देखो, पत्थर पत्थरों में कणक, ये बिल्कुल जी बिल्कुल कणक बिजाई। ये देखो बारिश हुई नहीं यहाँ पर, कणक बिजाई होगी। और ये देखो क्योंकि लोगों ने ना हमारा पशु छोड़ दिए हैं, उनके लिए ये लगाना पड़ रहा है। पहले कुछ नहीं होता था यहाँ पे, ये बंद कर दिया है। और कोरा देखो सवेरे सवेरे, ये देखो कोरा पड़ रहा, कोरा 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 कोरा, ये है कोहरा कोहरा। आज ये देखो सामने स्पाटू, यहाँ पे भी कोहरा कितना जमी रहा है ना। और ये वो खेत हैं जहाँ पे हम गाय चुगाते रहते थे ना, गाय छोटी जी इसे छोटी इसे नहीं होती गाय लाइन रखू जमा पोले डोर में लाई थी, इसमें दौड़ दौड़ कर रखा था तुम्हारे। ये है मेरे भैया का गार्डन, संतरे का गार्डन भाई साहब का, राजेंद्र भाई जी का। आज जी ये देखो ये मेरे भाई का घर है। बस ये मतलब मेरी जो मायके की यहाँ से शुरू होगी बाउंड्री है ना, मायके की बाउंड्री यहाँ से शुरू हो चुकी है। ये मतलब मेरे भाइयों का घर शुरू हो गया। ये एक भैया का घर ये है, अभी बन रहा है। और ये देखो भाई जी ने लहसुन पानी क्या क्या। और ये किसको किस किस को पता है ये क्या चीज है? ये है बम्मी, बम्मी बोली ना मैं आज के, बम्मी ना सांप का घर, सांप का नहीं हाँ, चींटियों का, दिमक का, दिमक का घर और सांप। ये देखो ये गांव, गांव की गलियां, चाची का ओबरा, ये भी ओबरा, चाची का ओबरा, एक चाची का और एक भैया का घर ये है, एक भाई का घर ये है। ये देखो भाई का घर और चाचा जी का घर, ताया जी का घर और ये मेरा घर आगे पुराने वाला। तो ये मेरे मतलब गांव का व्यू है, जो मतलब सारे जितने भी मतलब ये परिवार है ना, सारे ताए चाचा जी के परिवार हैं। अब खैर ये चीज़ हो गई ताए चाचे, पहले तो हम एक ही समझते थे क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में पले हैं, हमने तो जॉइंट फैमिली में। और ये ना यहाँ हम दूब सेक का करते थे, ये हमारा पुराना मकान है जिस मकान में मतलब हम लोगों का जन्म हुआ है, जिसमें हम रहे हैं, पले बड़े इसमें पले हुए हैं। ये मेरे चाचा जी वगैरह के मकान हैं साथ वाले। और ये देखो सामने जो रेड सा है वो ग्रीन सा है, वो अब मतलब जिस मकान में अब रहते हैं ना हम लोग, ये अब है भाई का मकान है मेरे। और ये पुराना मकान था जो सामने वाला है ना, हम लोग मतलब इसमें पले बड़े हम इस वाले में। जो मेहनत करो तीनी ठाणी जी ने मेहनत करनी, जो मेहनत करेगा वो फायदा। अम्मा ने ना देखो किस तरह से कितने सुंदर मतलब जो भी डिब्बे डिबो रहे है ना सब में फूल लगाएंगे और बहुत प्यारे लगते हैं। अम्मा को भी शौक है फूल का। और ये देखो सामने
ये नींबू का पेड़ है, बारहमासी नींबू, इसमें 12 महीने नींबू लगे रहते हैं। जो ये पेड़ है ना सामने, अभी भी लगे हुए हैं, ये देखो छोटा सा पेड़ है। और ये देखो, ये अम्मा ने इस तरह से लहसुन लगाया हुआ है, लहसुन प्याज, मतलब छोटा छोटा छोटा। अम्मा जो है मेरे 70+ है, और लेकिन फिर भी इतने एक्टिव है ना अम्मा, क्योंकि अम्मा काम करते रहते हैं ना, हमारी तरह नहीं। वो देखो सामने कनक लगा दी अम्मा ने, कनक भी बिजी हुई है, पर लेकिन बारिश नहीं है ना। और ये देखो साग पात, मतलब कोई चीज ऐसी नहीं ना अम्मा, छोटा 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 करती रहती है। और मम्मा ने ना अपने हाथ से किया अम्मा ने सारा, ये देखो सारे ना चिकोतरे, देखो चिकोतरे कहाँ छुपे हुए, इसके नीचे सब छुप गए, बहुत सारे हैं, लेकिन वो इस बेल में छुप गए हैं सारे। अब गांव में ना मतलब यही चीज अच्छी लगती है। वो देखो सामने ना छत से ना, भाभी ने जैसे हमें देखा, भाभी आवाज लगाने लगे, बोलने लगे। और ये गांव में ना मतलब इन्हीं चीजों के लिए हम तरसते हैं, हम लोगों ने इन्हीं चीजों में दिन का। और वो सामने ना प्रेम भाई जी का मकान है हमारे, बहुत अच्छे भैया ये भी। ये देखो जी पहाड़ी खाजा ऑर्गेनिक, ₹100 किलो। 1 2 3 4 5 ये देखो ढेर, ये देखो। क्योंकि बेल ना बहुत ऊपर तक पूरे जो पेड़ के ऊपर फैल गई थी, तो नीचे से ना वो फलियां ना निकाली नहीं जा रही थी, इसलिए मम्मा ने सीढ़ी मंगाई अम्मा ने, और मैं सीढ़ी पे चढ़ के, ये देखो सीढ़ी पे चढ़ के ना वो फलियां निकाल रही हूँ, और बहुत सारी निकाल ली। बुढ़ी ना बहुत बन रो आप ही है, सियाणी बहुत टरड़ी है, महा टरड़ी लाणी तो है सीख के। नाना हाँ दीपाली खरी सीख लाया के, तो बहुत टरड़ी है, जपती रहो है। A few moments later. माता के घर से ना पूरा व्यू दिखता है, मैं दिखाती हूँ आपको, पर नहीं ऐसे नहीं आ रहा है ना, मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ। खाना खुना खा के, फलियां वलियां साग वाग सारा कुछ चूग के हम आगे थे ऊपर माता के घर। और ये देखो ये पूरा वहां से ना बस स्टैंड के पास ही माता घर, वहां से पूरे वो देखो सामने ऊपर जो पहाड़ी है वो स्पाटू है, ये नीचे अपना वो देखो, फिर यहां से भी स्कूल दिख रहा है, बड़ी सी बिल्डिंग है, और वहीं बैक साइड हमारा घर है, जैसे कि जहां पे हम अभी थे अम्मा के घर में। और ये पूरा देखो कुठाड़ का व्यू, बहुत सुंदर व्यू यहां से आ रहा था। और ये देखो आपको ना पुराने जमाने की वो दिखाती हूँ, अब बहुत कम देखने को मिलता है, ये है चरखा, और ये माता का चरखा है, माता अभी भी चरखा काटती है, वो देखो सामने इससे वो बनाती है माता, अभी भी पट्टू बनाते हैं, ये चीजें ना करती रहती हैं, बहुत कम कहाँ देखने को मिलती हैं, एंटीक ही समझ लो ये तो। माता ना ये देखो ये इस तरह वो करके रुई साफ करके, और ये है हमारा कुन्नू, इसको कुन्नू बोलते हैं हमारे, घास जो है वो इस तरह से लगाया जाता है, खराब नहीं होता, और आगे जैसे सर्दियां होंगी तो काम आएगा। फिर अम्मा और कविता जो है वो मतलब चपाती वपाती बनाने लग गए थे, इस पर चूल्हे पे चपातियां, चूल्हे की चपातियों की और चूल्हे के खाने की ना कसम से कोई रीस ही नहीं, मतलब बात ही कुछ और है। इन लोगों ने खाना बनाया और रात का टाइम हो रहा है, बस गांव में आपको पता ही जल्दी खाना बना लेते हैं, और चलो खा लेते हैं फिर। और ये है भाभी की गौ माता और उसका बच्चा गांव में, और गौ माता के दर्शन ना हो ऐसे कैसे हो सकता है, जय गौ माता। तो जी ये मतलब इस तरह थी मेरी हिमाचल की यात्रा, बस यहीं तक था लास्ट हिमाचल का, वैसे 2-3 दिन में फिर मैं हिमाचल जाऊंगी, ये तो चलता ही रहेगा, मतलब मेरी चंडीगढ़ टू हिमाचल जर्नी जो है वो चलती रहेगी। पर मैं घर आ गई हूँ, और कल से आपको मेरे घर के ब्लॉग, जो 2-3 दिन और 3-4 दिन और रहूंगी यहाँ पे, फिर जाना है हिमाचल, तो फिर हिमाचल मतलब हिमाचल चंडीगढ़ की यात्रा जो है मेरी वो आपको दिखती रहेगी। और इस तरह से मतलब मेरी हिमाचल की यात्रा रही, जो भी देखी आपने, आज मैंने अपने गांव का दिखाया है, तो आपको मेरा गांव कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना। मुझे तो ये लग दिल करता है भी 10 बार उस क्लिप को देखूं, 10 बार अपने घर को देखूं। आप ना जितनी मर्जी उम्र हो जाए, चाहे बुजुर्ग भी हो जाओ ना, तो मायके का जो लाड है ना, वो जो लड़कियां हैं ना वो समझ सकती हैं, कभी भी नहीं जाता है। तो चलो देख वीडियो, खैर मुझे पता है बहुत प्यार दे रहे हो आप, बहुत मेरे ब्लॉग पे बहुत अच्छा लग रहा है,
इतना मोटिवेट करते हो, इतने कमेंट्स जो है वो यूट्यूब पे जाके लोग नहीं करते हैं। देखो सबको नहीं करना था, मुझे लगता है अगर लिंक वो करते हैं ना, खोलते हैं ना, तो कई बार ना वहां पे नहीं कमेंट कर पाते हैं। लेकिन मुझे डीएम में, एफबी पे, व्हाट्सएप पे और आपका इंस्टा पे ना बहुत लोगों के कमेंट होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू मेरे परिवार में मुझसे जुड़ने के लिए। मेरा परिवार हो, मेरी फैमिली हो आप, मैं हर एक चीज आपसे शेयर करती हूँ। तो चलो पता क्या किया करो, मैं एक चीज और बताती हूँ आपको। मैं अभी तो ना आपको मतलब मैं देख शेयर उन्हीं को करती हूँ जो देखते हैं, मुझे पता है भाई कई लोग ना यूट्यूब नहीं खोलते हैं तो वहां मतलब यूट्यूब पे जाके नहीं करते हैं, तो मैं उनको शेयर करती हूँ क्योंकि वो देखना चाहते हैं, मैं सबको नहीं शेयर करती। हाँ मैं एक चीज बोलूंगी आप लोगों को भी, आप लोग पता क्या है उस पे जाओ ना, हिमाचल ब्लॉगर रितु जो मेरा चैनल है उस पे जाके ना आप ना सब्सक्राइब, तो खैर मुझे पता ही आप लोगों ने कर लिया है, सब्सक्राइब कर लो, वहां पे ऑप्शन आएगा। तो अगर नहीं लिंक से खुल रहा है ना तो डायरेक्ट जाइए आप हिमाचली ब्लॉगर रितु पे, और वहां पे ना जो बेल होती है ना बेल दबा लो, ठीक है ना। जब बेल दबा दोगे ना आप एक बार, तो आपको हमेशा ना यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आता रहेगा, क्योंकि डेली ब्लॉगिंग होती है तो आप डेली चेक कर लिया करो। मुझे मतलब भेजने की जरूरत ना पड़े, लेकिन मुझे भेजना पड़ता है ना तो मुझे मतलब वो काफी टाइम लग जाता है, तो डायरेक्ट जाके देख लिया करो। नोटिफिकेशन जो है वो बेल दबाओगे तो ऑन हो जाएगी और आपको हर रोज ना मेरा जो ब्लॉग आता है वो देखने को मिल जाएगा। कमेंट्स भी किया करो और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझसे जुड़ने के लिए, मेरे परिवार में आने के लिए। थैंक यू दिल से फैमिली, बाय बाय।